हे गाइस, आप देख रहे हैं न्यू मेरा पाठशाला एजुकेशन। और ये जो है आपके लिए एक और नई वीडियो है, दैट इज़ ऑन क्विक रिवीजन वीडियो। आपको पता है एक मैंने सीरीज़ चलाई है, ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, बट स्टिल दे वांट टू स्कोर लाइक बिटवीन 60 to 70। तो ये प्लीज़ इतना पोर्शन वो पढ़ के जाएँ, मैं गारंटी देती हूँ अगर इतना पोर्शन वो एक्सीलेंट मैनर में पढ़ के जाते हैं तो पास हो जाएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। ठीक है, सो देख लेते हैं आप क्या नेक्स्ट पढ़ना है, दैट इज़ डेंटल केयर। देखिए यहाँ पे जो है इसका मतलब क्या होता है, टूथ डिके। और बेसिकली यहाँ पर आपको टूथ डिके के बारे में बताया हुआ है, मैं पढ़ देती हूँ आपको। तो इस टॉपिक को आप पूरा ज़रूर पढ़ के जाएँ, क्योंकि यहाँ से हो सकता है कि क्वेश्चन कोई ना कोई वो बना दे। ठीक है, जैसे यहाँ पर बताया हुआ है, टूथ डिके कॉज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ इनेमल एंड इट बिगिंस व्हेन द बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर प्रोड्यूस एसिड दैट सॉफ्टन एंड द इनेबल द मास ऑफ द बैक्टीरिया सेल टुगेदर विद फूड पार्टिकल्स स्टिक और टू द टीथ टू फॉर्म डेंटल प्लाक। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि बेसिकली जो हमारे इनेबल होते हैं, दांत होते हैं ना जो हमारे, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, धीरे धीरे करके क्या है, सॉफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। और सॉफ्ट क्यों हो जा रहे होते हैं, क्योंकि आप देखते होंगे जो हम मतलब खाना खाते हैं ना, जैसे दांतों पे वो क्या स्टिक हो जाता है, और आफ्टर सम टाइम वो देखोगे तो वो क्या दांतों को सड़ाना शुरू कर देता है। तो ये आप एक बार जो है इसमें बता रखा है कि आपको क्या करना चाहिए, कि जब भी कभी आप खाना खा लेते हो उसके बाद आपको ब्रश जरूर करना चाहिए, ताकि जो प्लाक सब्सटांस, ठीक है ना, प्लैक मतलब क्या, जो भी सब्सटांस मतलब दांत में लगा रह गया है, ठीक है, जो कि बेसिकली जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, उसे क्या करेंगे, डीकम्पोज करने की कोशिश कर रहे होंगे, है ना, और मतलब उससे, और उससे क्या होता है कि वो अल्टीमेटली क्या किस में कन्वर्ट कर देगा, उसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा, और वो एसिड आपके क्या है, जो आपके दांत हैं उनको इफेक्ट करेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, जो है इस टॉपिक को अच्छे से एक बार रीड कर लेना, ठीक है, हो सकता है पूछ लिया जाए। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन। देखिए रेस्पिरेशन क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि इस एक्टिविटी में कुछ खास नहीं बताया है, बस ये बताया है कि आपने क्या करना है, लाइम वाटर ले लेना है। और लाइम वाटर लेने के बाद क्या करना है कि आपने इसमें जो है आपको ये पता करना है कि जब हम क्या है सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं, ठीक है, तो कौन सी हमारे माउथ से कौन सी गैस रिलीज होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, उसने एक एक्सपेरिमेंट करके बताया है, और यहाँ पे बता रखा है कि जैसे लाइम वाटर है, जब आप क्या करोगे, एक पाइप ले लीजिए और उसमें आपने क्या करना है, गैस को रिलीज़ करना है, ठीक है, मतलब सांस छोड़ते नहीं है वैसे, गैस मतलब सांस छोड़नी है आपने। और जब आप सांस छोड़ना शुरू करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर क्या है कि ये वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये बताएगा मतलब मिल्की मिल्की टाइप के कलर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और यही हमें बता रहा है कि हम कौन सी गैस रिलीज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये एक्टिविटी मैंने आपको बता दिया। तो ये पूछ सकते हैं कि जब आप कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में ऐड करोगे तो किस कलर का हो जाएगा, है ना, तो बता दोगे ये क्या है, टर्न मिल्की, मिल्की जो लाइम वाटर है बेसिकली मिल्की वाटर एक जैसा मतलब कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पे देखिए आपको क्या पढ़ लेना है, सबसे पहले जो है कि ये बता देना है, ये देखिए यहाँ पर कि अब आपको जो है यहाँ से पढ़ लीजिए कि सम यूज़ ऑफ द ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज कम्प्लीटली इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या बताया हुआ है कि जो ऑक्सीजन होता है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीजन क्या करता है, जो ग्लूकोज होता है ना गाइस, उसको क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। और ग्लूकोज ब्रेक डाउन किस में हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है, एक तो ये बता देना है। इसके बाद आपको यहाँ से पढ़ लेना है पूरा पूरा, ये देखिए अब देखिए हो क्या रहा होता है, इन ऑल केसेस, हर केसेस में क्या होगा, द फर्स्ट स्टेप इज़ ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज 6 carbon molecules into 3 carbon molecules called जो है पाइरूवेट। तो क्या बता रखा है कि कार्बन के जो 6 molecules होते हैं वो क्या कर देते हैं, किस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, कार्बन के 3 molecules में। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज़ पाइरूवेट कह देते हैं, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर पूछा जाए कि ग्लूकोज कहाँ पर ब्रेक डाउन होता है तो कहाँ पर बताओगे, साइटोप्लाज्म में। एंड फर्दर पाइरूवेट मे बी कन्वर्टेड इंटू इथेनल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बताया, ये पाइरूवेट जो था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनल में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। और क्या बताया हुआ है कि मतलब जो कार्बन के 6 molecules है वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, 3 molecules में, है ना। और वो बोलता है कि ये प्रोसेस और कहाँ कहाँ होता है, ईस्ट में भी होता है, कब हो जाएगा, फर्मेंटेशन। आपने देखा होगा ईस्ट को जनरली यूज़ करते हैं, और वो क्या करता है कि गैस रिलीज़ कर रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ कर रहा होता है, ठीक है। सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, देखिए ऐसा ये जो फर्मेंटेशन है ना,
वो क्या है, ऑक्सीजन के बिना हो रही होती है, किसमें हो रही होती है, ऑक्सीजन के बिना, क्लियर हो गया। सो बोलता है कि इसे हम क्या कहते हैं, एनोरोबिक रेस्पिरेशन होती है। तो देखो दो रेस्पिरेशन है, एक होता है एनोरोबिक, ठीक है, एक हमारे पास क्या होता है जो है एनोरोबिक होता है, और एक क्या हो जाता है हमारे पास एरोबिक हो जाता है, ठीक है। तो देखिए एनोरोबिक और एरोबिक में क्या डिफरेंस है, जो एनोरोबिक होता है वो बेसिकली क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, और ये क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। समझ में आ गया आपको, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। इसके आगे ये भी पढ़ लीजिएगा कि जो आपका ये है कि ब्रेक डाउन ऑफ पाइरूवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखो उसने बताया हुआ है कि एब्सेंस में होगा तो वो ईस्ट में हो सकता है, ठीक है, और अगर प्रेजेंस में होगा मतलब कि जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज अगर ब्रेक डाउन हो रहा है किसकी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है, ये बता रहा है वो। आगे पढ़ लेते हैं, आगे आपको पढ़ना है द प्रोसेस, है ना, द प्रोसेस ब्रेकअप जो है, ब्रेक्स अप द थ्री कार्बन पेरीवेट मॉलिक्यूल्स टू गिव द थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द अदर प्रोडक्ट इज़ वाटर। सो ये भी याद रख लीजिएगा, इससे ज़्यादा आप ज़्यादा मत याद रखिए, एक ये चीज़ आप जरूर यहाँ पे याद रख लीजिएगा, सम टाइम व्हेन देयर इज़ लैक ऑफ ऑक्सीजन आर मसल्स जो है, आर मसल्स अनदर पाथवे ऑफ फॉर ब्रेक डाउन ऑफ पेरीवेट इज़ टेकन, हेयर द पेरीवेट इज़ कन्वर्टेड इंटू लैक्टिक एसिड विच इज़ ऑल्सो थ्री कार्बन मॉलिक्यूल्स, दिस बिल्ट अप ऑफ लैक्टिक एंड एसिड इन आर मसल्स ड्यूरिंग द सडन एक्टिविटी कॉज क्रैम्प। तो यहाँ पे क्या बताया हुआ है, यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर हम कई बार क्या होता है कि जब ऑक्सीजन की कमी होती है ना, तो हमारे मसल्स में क्या होते हैं, वहाँ पर भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है, और वहाँ पे क्या बता रहा है कि ये पेरीवेट जो है बेसिकली वो मतलब किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में, और दूसरा किस में हो जाता है आपका, मतलब लैक्टिक एसिड में हो जाता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किस केस में मिलती है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का, तो दैट इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वो क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी आपको क्या है, सबसे ज़्यादा मिलेगी, फिर उसके बाद क्या है, एब्सेंस में तो ऑब्वियसली बात है कम है, और यहाँ पे क्या, और मतलब यहाँ पे कम और ये और भी कम, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए, लैक मतलब कमी होनी, एब्सेंस मतलब वहाँ पे होना ही नहीं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा पैराग्राफ जो फिगर दी हुई है इसे प्रॉपर वे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे चल देते हैं, एक यहाँ पे प्लीज़ एटीपी का जो फुल फॉर्म है, एटीपी क्या होता है और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, प्लीज़ आप इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, और आगे आपको देखिए यहाँ पे बताया हुआ है कि ये पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे बताया हुआ है ये रहा कि रात को क्या होता है कि कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, तो इसलिए क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहे होते हैं, वो जो प्लांट्स होते हैं वो भी क्या कर रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो रेस्पिरेशन है, आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए जो दो होता है, एक तो क्या टेरेस्ट्रियल होते हैं, एक एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, है ना। टेरेस्ट्रियल कौन से होते हैं, जो कि बेसिकली ऑर्गेनिज्म जो कि किस पे रहेंगे, लैंड पे रहेंगे, है ना। तो देखो लैंड पे जो अगर हम देखें तो वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो जब बहुत ज़्यादा मात्रा होने वाली है तो वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन आराम से कर पाते हैं। लेकिन जो लोग क्या है, मतलब जो ऑर्गेनिज्म किस में रहेंगे, पानी के अंदर रहेंगे, एक्वेटिक, समझ में आ रहा है आपको, पानी में रहते हैं, तो वहाँ पे क्या है, जो अगर हम देखें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कम होती है, तो इसलिए क्या है, जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होती है, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स की वो तेज होती है, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो कि टेरेस्ट्रियल, मतलब कि जो लैंड पे रहते हैं। तो आप लोगों को ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, और मैंने यहाँ बता दिया, और ये सारा चीज़ यहाँ पे बताया हुआ है, देखिए आपने कहाँ से कहाँ तक पढ़ लेना है, ठीक है, ये यहीं पे बता रखा है ये सारा सारा, ये देखिए ये। और उसके बाद देखिए ऑक्सीजन अब्सॉर्ब जो है बाय डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो है डिफरेंट एनिमल्स एंड ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स हैव द स्ट्रक्चर दैट इंक्रीज द सर्फेस एरिया, ठीक है। तो ये इसके बाद अब आपको कहाँ सीधे पढ़ना है, देखिए मैं बता दूँ, आप कुछ मत पढ़िएगा, यहाँ से छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होता। अब आप सीधे से आ जाइए यहाँ पर, ये जो आपके पास है ह्यूमन से, यहाँ से पढ़िए, क्या कहते हैं, इन ह्यूमन बींग एयर इज़ टेकन इन टू द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रल, मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा हम रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ना उसको पढ़ रहे हैं। तो जब भी रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस पूछा जाए तो प्लीज़ आप यहाँ पे इसे पूरा लिखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला हुआ है कि हम ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, अपने नाक से, मतलब नोस्ट्रल से लेते हैं। उसके बाद बस यही बताया हुआ है कि एयर हमारी नोस्ट्रल से जाता है, फिल्टर होके जाता है, क्योंकि हमारे नोज में क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, और हेयर का काम क्या रहता है, फिल्ट्रेशन का काम रहता है। गाइस अगर मेरे बोलने की स्पीड तेज़ लग रही हो तो प्लीज़ यहाँ पे प्लेबैक स्पीड का ना एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे
स्लो कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि क्विक रिवीजन वीडियो है, इसको बहुत ज़्यादा स्लो पढ़ाया तो आप समझ सकते हो, फिर तो कोई मतलब नहीं बनता उसका, है ना। तो यहाँ मैं नॉर्मल आपको बताती जा रही हूँ क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद ये बता दीजिए कि यहाँ पे क्या होता है, म्यूकस होता है, हमारे जो नोज़ होता है उसमें म्यूकस होता है, और जो भी वेस्ट होता है ना, मतलब कि जो भी डस्ट होता है वो उसके साथ स्टिक हो जाता है, ठीक है, ताकि क्या हो, लंग्स में हमारे क्या जाए, एकदम फिल्टर जो एयर है, ठीक है, ऑक्सीजन है वो ही जा सके, ठीक है। उसके बाद रिंग ऑफ कार्टिलेज आपको बता रखा है, जो कि थ्रोट पे प्रेजेंट रहता है, और ऐसा वो उसका क्या मतलब काम क्या रहता है, दिस एंश्योर दैट द एयर पासिस डज नॉट कोलैप्स, कि मतलब जो एयर पास हो रही है वो क्या ना हो, दब ना सके, कोलैप्स ना हो, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इसके बाद प्लीज़ इसका डायग्राम आप जरूर कर बनाना, एक दो बार बनाइए। देखिए, अब इसका एक बच्चे ने पूछा था कि कैसे डायग्राम को याद करें, तो ये देखिए, ऐसा आपको पता होना चाहिए कि जो नसल हमारे पास पैसेज है ना, अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है कि कैसे प्रोसेस हो रहा है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि आप याद करो, आपको सब समझ में आएगा। देखो, रिंग ऑफ कार्टिलेज अभी हमने पढ़ा है ना, तो आपको पता चल जाएगा, तो कहाँ पे रिंग ऑफ कार्टिलेज, यहाँ पे, क्योंकि ताकि जो वो है एयर पैसेज है वो क्या ना हो, पैसेज हो सॉरी, वो कहाँ पे क्या ना हो, कोलैप्स ना हो, दबे ना, ठीक है। तो ये है, आगे चलते हैं। आगे इसमें जो आपको पढ़ना है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ एल्वियोली, ठीक है। तो एल्वियोली पढ़ लेना, विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइडेड इंटू स्मॉल एंड स्मॉलर ट्यूब्स विच फाइनली टर्मिनेटेड इन बलून लाइक स्ट्रक्चर जो है, वैन आर कॉल्ड, विच आर कॉल्ड, कर लीजिए, आर कॉल एल्वियोली, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्वियोली कहते हैं। मैं थोड़ा बता देती हूँ क्या है, ये देखिए, ये जैसे आप अगर आपको दिख रहा है, ये देखिए, सारे सारे जाते जा रहे हैं और यहाँ पे जाके क्या ख़त्म हो जाते हैं, ये जो है ना, ये यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही होती है एल्वियोली में, तो ये है एल्वियोली कहते हैं ना, ठीक है, टर्मिनेशन वाला जो रहता है पॉइंट। उसके बाद आपको इसमें हालांकि और कुछ नहीं है, बाकी आपको ये तो जनरल सी नॉलेज वाली बात है कि एक्सपेंशन होता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है, हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं ना, तो वो ही बस इतनी सी बात यहाँ पे बताए हुए, और मुझे नहीं लगता ये बात तो आप वैसे भी जनरली भी लिख सकते हो, तो इस सब को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। मेन मेन जो पॉइंट्स हैं उन पर ध्यान दो, एक तो पहला मैंने बताया पैसेज कैसे जाता है, फिर उसके बाद आपको बताया रिंग ऑफ कार्टिलेज के बारे में, उसके बाद मैंने आपको बताया ये जो है एल्वियोली के बारे में, है ना, तो ये थोड़ा सा आप इसे याद कर लीजिए। और इसके बाद अब आप क्या करोगे, तो यहाँ पे एक कर लीजिएगा, यहाँ से पूरा का पूरा मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे, या तो यहाँ पे कर लीजिएगा, ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हेन द एयर इज टेकन इन लेट आउट द लंग्स ऑलवेज जो है कंटेन अ रेसिड्यू वॉल्यूम ऑफ एयर सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब्ड एंड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमेशा होता क्या है, जब भी हम सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं तो पूरी सांस नहीं, मतलब कि पूरा ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं होता बॉडी में, कुछ रह जाता है। उसका रीज़न क्या रहता है कि जो, ताकि वो बॉडी में जब तक पूरी रोटेट हो रही है तब तक वो क्या है, यूटिलाइज हो पाए, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ बताया, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अब आपको क्या बताया हुआ, देखिए यहाँ पे कि हम देखें, यहाँ पे बताया हुआ है कि जो है एक थोड़ा सा ब्लड का बारे में बताया हुआ है कि ब्लड के थ्रू क्या हो जाता है, ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है और हमारी पूरी बॉडी में क्या है, ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये थोड़ा सा बताया हुआ है, व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द एनिमल्स आर लार्ज द डिफ्यूजन प्रोसेस अलोन कैन नॉट बी टेक प्लेस सॉरी कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी सो इंस्टेंट रेस्पिरेशन पिगमेंट टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इन द लंग्स एंड कैरीड इट टू टिश्यू व्हेन आर जो है डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट इन ह्यूमन बींग रेस्पिरेशन पिगमेंट। तो यहाँ से कर लीजिए आप, यहाँ से ये छोड़ दीजिए, आप ये छोड़ दीजिए, यहाँ से कर लीजिए, रेस्पिरेशन पिगमेंट होमोग्लोबिन विच हैज़ अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर दैन द ऑक्सीजन इज एंड हैंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड टू द डिजॉल्व फॉर्म इन आर ब्लड। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली क्या होता है कि जो हम ह्यूमन है ना उनका डिफ्यूज़न डायरेक्ट एनवायरनमेंट से नहीं होता है ना, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, और हमारा शरीर भी बड़ा होता है तो इसलिए ऑक्सीजन किसके थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग, ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं, ब्लड में मिक्स हो जाती है और पूरी बॉडी में क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए जो हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन जो बेसिकली वो रेड इन कलर में जो आपको दिखता है वो किसकी वजह से रहता है, हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा जो ब्लड है वो किसकी जो है ब्लड जो है वो रेड रहता है, रेड किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है। और हीमोग्लोबिन होता क्या है, इसके अंदर बेसिकली ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये याद रख लीजिएगा क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन जो है वो पानी में इतने आसानी से नहीं, मतलब ज़्यादा मात्रा में नहीं घुल पाती है जितना कि कार्बन डाइऑक्साइड मोर सोल्यूबल होती है वाटर में, और इसीलिए क्या रहते हैं ये किस में डिजॉल्व होती है, ब्लड में। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है।
नेक्स्ट ये पैराग्राफ दे रखा है गाइस, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए ये वाला पॉइंट। और यहाँ पे क्या बोला हुआ है, इफ़ द डिफ्यूजन वर टू मूव ऑक्सीजन इन आर बॉडी, कि मतलब ठीक है वैसे तो हम क्या करते हैं ब्लड के थ्रू सारा सारा जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में मिक्स हो जाता है और उसके बाद क्या है पूरी बॉडी में रोटेट होके आ जाता है। लेकिन अगर हम डिफ्यूज़न का प्रोसेस यूज़ करें हमारी बॉडी में, ठीक है, तो क्या होगा, कहते हैं कि इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इट वुड टेक 3 ईयर्स फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन टू गेट टू आर टोज फ्रॉम आर लंग्स, मतलब कि टोज से लंग्स तक आते आते, मतलब समझ में आ रहा है ना आपको कितना टाइम ले लेगा, वो 3 साल लग जाएंगे, समझ में आ गया आपको। तो इसीलिए क्या है डिफ्यूज़न का प्रोसेस नहीं यूज़ किया जाता है ह्यूमंस में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स की जो है, देखिए यहाँ पे आपको जो है क्या पढ़ना है, सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिएगा कि जो ऑक्सीजन है, यहाँ देखिए सबसे पहले आपको बता रखा है ये रहा ब्लड, ब्लड कंसिस्ट ऑफ द फ्लूइड मीडियम जिसे कहते हैं प्लाज्मा, कि ब्लड के अंदर क्या है एक लिक्विड सा पदार्थ होता है, फ्लूइड मीडियम होता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है, जिसमें कि क्या है सेल्स अवेलेबल रहते हैं, क्या रहते हैं सस्पेंडेड क्या रहते हैं सेल्स, एंड प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजीनियस वेस्ट इन डिजॉल्व फॉर्म, ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द रेड ब्लड सेल्स कार्पल्स एंड मेनी अदर सब्सटेंस लाइक सॉल्ट आर ऑल्सो ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड, एंड वी डज नीड द पंपिंग ऑर्गन टू पुश द ब्लड, ओके टू जस्ट वेट फॉर अ मिनट, यस ठीक है, वी दस नीड अ पंपिंग ऑर्गन टू पुश द ब्लड अराउंड द बॉडी एंड द नेटवर्क ऑफ द ट्यूब टू रीच ऑल द टिश्यूज एंड अ सिस्टम इज प्लेस्ड टू एंश्योर दैट द नेटवर्क कैन बी रिपेयर इफ़ डैमेज। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, सबसे पहली बात है बोला हुआ है कि ब्लड के अंदर क्या रहेगा, एक फ्लूइड मीडियम रहेगा जिसे कि प्लाज्मा कहते हैं, और प्लाज्मा के अंदर क्या है सेल रहते हैं, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट रहता है, और उसके बाद क्या बता रखा है देखिए उसने बताया हुआ है साथ में जो सॉल्ट है वो भी किसके थ्रू ट्रांसफ़र होता है, ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, और हमें इस सबको ट्रांसफ़र करने के लिए एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए जो कि प्रेशर देगा कि बहुत स्पीड से ब्लड मतलब हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो सके, उसे हम क्या कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड हार्ट। तो ये आप देख लीजिए, आगे पढ़ लेते हैं हार्ट का प्लीज फंक्शन आप पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो अब आपको यहाँ पे बता देना है कि बेसिकली यहाँ पे कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं वो बताना है आपको, ठीक है, ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, ये बता देना है थोड़ा सा, ठीक है, और ये जो है ये जो है चैम्बर्स में क्या रहता है बेसिकली ये सेपरेशन करके रखता है ताकि ऑक्सीजनेट ब्लड और डी ऑक्सीजनेट ब्लड क्या हो सेपरेट रह सके, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बस यही चीज़ आपको बता रखी है। सो यहाँ पे देखिए सारा का सारा पढ़ लीजिएगा, ये यहाँ से पूरा पढ़ लीजिए और जो है यहाँ से यहाँ तक कर लीजिए आप इसको, उसके बाद हालांकि इसमें पढ़ना सभी कुछ होता है इस क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप जो है ये हो गया आपके पास, उसके बाद ये यहाँ से वी कैन फॉलो द स्टेप, ये छोड़ दीजिए, यहाँ से कर लीजिए, यहाँ से पूरा का पूरा, और पूरा ही प्लीज़ एक बार इसको रीड आउट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, तो इसमें आप पूरा ही पढ़ लीजिए, इस हार्ट वाले को पूरा ही पढ़ लीजिए, जब फंक्शन अगर आए ना तो आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है, और इसमें मैंने आपको बता दिया है कि ये सब वही बता रखा है उसने कि सबसे पहले जो है एक मैं आपको रिवाइज ही करा देती हूँ पूरा पूरा। तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले कि जो है यस कहते हैं द हार्ट इज़ अ मसल्स इज़ मस्कुलर ऑर्गन्स विच इज़ एज बिग एज आर फेस्ट बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। बोलता है कि ये काफ़ी बड़ा होता है और साथ में क्या बता रखा है कि इससे हम क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों ही ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है, और हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट ऑक्सीजन, मैंने आपको बताया जैसे कि इसके पास क्या अलग अलग चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजनेट ब्लड और डी ऑक्सीजनेट ब्लड इंटरमिक्स ना हो जाए, ठीक है, और इसके बाद क्या बोला हुआ है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होता है वो पहले क्या है, पहले तो ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो देखिए यहाँ से आया लंग से आएगा हार्ट में, और हार्ट से फिर किस में जाएगा पूरी बॉडी में जाएगा, कहाँ पे जाएगा बॉडी में चला जाएगा, फिर ये बॉडी से कहाँ पे जाएगा ये देख लो आपको राइट एट्रियम में जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर दोबारा लंग्स में जाएगा, लंग्स में क्यों जाएगा, लंग्स में फिल्ट्रेशन के लिए जाएगा, ठीक है, मतलब वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है ना, फिर उसमें ऑक्सीजनेट ब्लड आएगा, फिर से वो किस में जाएगा राइट जो है लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और इस तरह से फिर बॉडी में, तो इस तरह से पूरी साइकिल ये क्या है चलती रहती है, ठीक है, तो यही चीज़ आपको यहाँ पे लिख के भी बताई हुई है। तो यहाँ पे आप कर लीजिएगा ऑक्सीजनेट रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स, तो मैंने बताया ना कि जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा लंग्स से वो कहाँ से हो जाता है, ठीक है, टू द थिन फॉल अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट जो है रिलैक्स एंड
एंड द लेफ्ट जो है एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज़ कलेक्टेड, इट इज़ कलेक्टिंग दिस ब्लड एंड इन देन इट देन कॉन्ट्रैक्ट वाइल द नेक्स्ट चैम्बर द लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर टू इट एंड व्हेन द मसल्स लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स टर्न द ब्लड इज पम्प्ड आउट टू द ब्लड डी ऑक्सीजनेट ब्लड कम फ्रॉम द बॉडी. तो मैंने बताया था आपको जो डी ऑक्सीजनेट ब्लड होती है वो कहाँ से आती है, बॉडी से, पूरा बॉडी से रोटेट होके जाएगी और किस में जाने वाली है, राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में. ठीक है, तो ये बता रखा है आपको यहाँ पे, देखिए राइट वेंट्रिकल में. तो बस इतना आप बता दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा. नेक्स्ट इसके बाद इसमें क्या पढ़ना है, देखिए पहला तो इसमें हमें सब कुछ बता रखा है, जो जैसे फिश है, फिश में क्या है, फिश में रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू होता है, तो ये तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद फ्रॉग में किससे होता है, स्किन आपने देखी है, उसकी स्किन में पोर्स होते हैं. ठीक है, बाद में साथ में वो गिल्स और से कर लेता है. ठीक है, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है बेसिकली यहाँ पे टू चैम्बर हार्ट होता है, और टू चैम्बर अगर हार्ट होता है तो ये क्यों, क्योंकि ये टॉलरेट कर सकते हैं जो मिक्स है ना ब्लड का, मिक्सिंग ऑफ ब्लड ये टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो आपको पास है दैट इज़ डबल सर्कुलेशन. तो ये डबल सर्कुलेशन यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेना कि ब्लड गोज़ ओनली वंस जो है वंस थ्रू द हार्ट इन द फर्स्ट ड्यूरिंग वन साइकिल और जो है पैसेज थ्रू द बॉडी. ऑन द अदर हैंड इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन अदर वर्टिब्रेट्स एंड दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन. तो ये डबल सर्कुलेशन आप प्लीज़ यहाँ से यहाँ तक जो है पूरा पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा. ठीक है, आगे चल लेते हैं. आगे इसमें ये वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ चीज़ें पढ़ लीजिएगा. जैसे पहले आप पढ़ लीजिए यहाँ पे कि जो है ब्लड प्रेशर क्या होता है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. तो क्या बोलोगे, तो फोर्स दैट ब्लड एग्जर्ट, जो ब्लड एक फोर्स लगाता है किस पे, वॉल्स ऑफ द वेसल्स जो नर्व्स होती हैं उनके ऊपर जो फोर्स ब्लड लगाता है उसको आप क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं. एंड दिस प्रेशर इज मोस्टली इन आर्टरीज देन वेंस. तो ज़्यादा ज़्यादा कहाँ पे लगती है, आर्टरीज पे फोर्स लगता है वेंस की कंपैरिजन में. एंड प्रेशर ऑफ द ब्लड जो है इनसाइड द आर्टरीज ड्यूरिंग वेंट्रिक्यूलर जो है सिस्टोल. तो सिस्टोल का मतलब क्या होता है, देखिए कॉन्ट्रैक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टोल प्रेशर कहते हैं. ठीक है, इस तरह से प्रेशर इन आर्टरीज ड्यूरिंग द वेंट्रिक्यूलर डायस्टोल जिसे रिलैक्सेशन कहते हैं, कॉल्ड जो है डायस्टोलिक प्रेशर. एंड द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120 mm और HG. ठीक है, एंड डायस्टोल प्रेशर इज 80 mmHg. तो ये आप दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये चीज़ है. फिर व्हाट इज डायस्टोल प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, सिस्टोल प्रेशर क्या होता है, और ब्लड प्रेशर क्या होता है. ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रेशर किस पे लगता है, आर्टरीज पे लगता है एज़ कम्पेयर टू वेंस. तो ये थोड़ा सा आपको याद रख लेना है. ठीक है, और इसके आगे अब आपको क्या करना है, देखिए ये पढ़ लेना कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है, देखिए ये लिखा हुआ है कि ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर. ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए. ठीक है, हाइपरटेंशन क्या होता है कि जब हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है उसको क्या हाइपरटेंशन कहते हैं. एंड इट कॉज बाय द जो है कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द आर्ट्रियोल्स विच रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द ब्लड फ्लो एंड इट कैन लीड टू द जो है रप्चर ऑफ एन आर्टरीज एंड इंटरनल ब्लीडिंग. ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा. अच्छा, आगे चल देते हैं. ब्लड जो है ये वाला इसमें, तो इसमें गाइस आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ लीजिएगा पूरा पूरा, और मैं आपको बता देती हूँ क्या बताया हुआ है. बेसिकली इसमें ये बताया हुआ है कि जो आर्टरीज होती है ना उससे ऑक्सीजनेट ब्लड जाता है. ठीक है, और वो ऑक्सीजनेट ब्लड कहाँ से कहाँ तक, ये मैं आपको दिखा देती हूँ. ये ब्लड, ये आपके पास हार्ट है, और ये आपके पास मान लीजिए लंग्स है. ठीक है, ये क्या आपके पास लंग्स है. ठीक है, अब ये लंग्स से सबसे पहले ब्लड ये जाएगा, है ना, फिल्टर्ड ब्लड आता है. ठीक है, और उसके बाद किस में, हार्ट में जाएगा, और उसके बाद क्या, हार्ट से दोबारा किस में जाएगा, बॉडी में जाएगा. तो देखिए बॉडी में किसके थ्रू जाता है, आर्टरीज के थ्रू जाता है. ठीक है, तो होता क्या है कि जब ब्लड है ना हार्ट से कहाँ पे जाएगा, मतलब बॉडी में जाएगा, तो इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है. मैंने बताया था ना अभी पीछे, हमने पढ़ा है कि प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है. और प्रेशर ज़्यादा होता है इसलिए आर्टरीज जो होती है बेसिकली कैसी होती है, थिक होती है. दिख रहा है, आर्टरीज हैव द थिक इलास्टिक वॉल होती है. एंड वेंस क्या होती है, वेंस कलेक्टेड द ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन और ब्रिंग बैक टू द हार्ट. और उसके बाद क्या होता है, देखिए ये पूरा ब्लड जो है आर्टरीज से चला गया. कहाँ से चला गया, आर्टरी से. ए फॉर
आर्टरीज, और उसके बाद क्या है ये बॉडी में चला गया, किस में चला गया बॉडी में, फिर बॉडी में जो ये देखिए ये तो ऑक्सीजनेट ब्लड था ना, आर्टरीज में कौन सा था ऑक्सीजनेट ब्लड था, और ये जो ऑक्सीजनेट ब्लड है फिर पूरा किस में चला जाएगा गाइस, ये आपका दोबारा से किस में चला जाएगा हार्ट में जाएगा, ठीक है। तो हार्ट में जाएगा तो ये जो है बॉडी से हार्ट में लेके जाने का काम किसका रहता है, वेन्स का, ठीक है। तो वी फॉर वेन्स हो जाता है, क्लियर हुआ। और ये क्या है लेस थिक रहती है, मतलब थिन रहती हैं, ये बात याद रखना, ये थिन रहती हैं ये थिक रहती हैं। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है ये थिक क्यों रहती है, आर्टरीज थिक क्यों रहती है, क्योंकि इन पर जो हार्ट का है ना प्रेशर लगता है, पंपिंग प्रेशर लगता है, तो अगर ये मतलब थिक नहीं होंगी तो ये फट जाएंगी, क्लियर हो रहा है। तो इसकी वजह से ये थिक और ये थिन होती है, ये ऑक्सीजनेट ब्लड लेके जाती है, ये डीऑक्सीजनेट ब्लड लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको जो है याद रखना है, क्योंकि डिफरेंस भी हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए, ठीक है। इसके बाद जो है आपको थोड़ा सा एक कैपिलरीज के बारे में पता होना चाहिए। तो कैपिलरीज क्या होती है मैं बता दूँ, देखिए जो जैसे ये आपके पास हार्ट है ना, हार्ट, ओके फाइन, मैं आपको ये थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, इस डायग्राम को आप समझने की कोशिश करिए, या अभी देखिए, ठीक है। अब देखिए इस डायग्राम को समझिए, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है लंग्स हैं, ठीक है, लंग्स से फिल्टर वाला जो है ब्लड आया, और ये फिल्टर्ड ब्लड मतलब ऑक्सीजनेट ब्लड यहाँ पे आया, और ऑक्सीजनेट ब्लड कहाँ पे जा रहा है पूरा बॉडी में, और ये कौन सी आपके पास मान लीजिए आर्टरीज है, ठीक है, ये आर्टरी लिखी हुई ना आर्टरी है। जब ये आर्टरीज क्या होती है छोटी 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 उसमें पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है ना, इनको क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड कैपिलरीज, क्लियर हो गया आपको, इन्हें क्या कहते हैं कैपिलरीज कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है ये जो कैपिलरीज है ये दोबारा कंबाइन हो जाती है, फिर क्या हो जाती है वेन्स बन जाती है। तो मतलब क्या हो जाती है जब नर्व्स क्या है मतलब आर्टरीज जो है और छोटे छोटे उसमें डिवाइड, पहले तो ऐसा होता है पहले होती है आर्टरीज, आर्टरीज से बनती है आर्टरियोल, और उसके बाद बनती है कैपिलरीज, समझ में आ रहा है आपको। तो इस तरह से चलता है कि पहले आर्टरीज थोड़ी सी मोटी होती है, फिर वही एक या दो या तीन ऐसे मान लीजिए तो ये आर्टरियोल में कन्वर्ट हो जाती है, और ये आर्टरियोल मतलब जो होता है फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाती है और छोटे छोटे में डिवाइड होंगी, तो उसे हम क्या कहेंगे कैपिलरीज कहेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैपिलरीज क्या होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं वापस उस पर जो मुझे आपको समझाना था। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, डेफिनेशन भी दे रखी है आपको कैपिलरीज का, तो यहाँ से आप प्लीज़ कर लीजिएगा। द स्मॉलेस्ट वेसल सॉरी वेसल्स हैव द वॉल्स विच आर वन सेल थिक आर कॉल्ड कैपिलरीज। एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल बिटवीन द ब्लड्स एंड द सराउंडिंग सेल्स टेक प्लेस अक्रॉस दिस थिन वॉल्स एंड कैपिलरीज देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्स दैट कन्वे ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन्स टू और टिश्यू। तो समझ में आ गया आपको, तो वही चीज़ बताती है कि पहले ये क्या करता है छोटी छोटी पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, और उसके बाद क्या हो जाता है जब ये छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी तो फिर जो है दोबारा से जाके मतलब क्या करेगी ब्लड को ट्रांसफ़र कर देगी, है ना, मतलब अपने साथ सब कुछ लेके आ जाएगी, मतलब ऑक्सीजनेट से क्या हो जाएगा डीऑक्सीजनेट ब्लड में कन्वर्ट हो जाती है पूरे पूरे बॉडी में ट्रांसफर होने के बाद। फिर जब दोबारा कंबाइन हो जाएगी तो कहाँ पे चले जाएगी हार्ट में, और हार्ट में जाएगा तो आपको पता है हार्ट से फिर लंग्स में जाएगा, और लंग्स से क्या हो जाएगा दोबारा से जो है ऑक्सीजनेट ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है दैट इज़ गाइस, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है तो बस आज हम इतना ही रखेंगे गाइस, इसके आगे का टॉपिक बस छोटा सा रह गया है उसे भी मैं जल्दी से फिनिश कर दूंगी। और अगर गाइस वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, आप लाइक नहीं करते वीडियो तो देख लेते हो, और साथ साथ में जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। सो थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।